चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम। परम आदरणीय महाराज श्री चंद्रभारती जी महाराज के चरणों में प्रणाम, सुदर्शन जी महाराज के चरणों में प्रणाम, रामदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, राम नारायण जी पुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम, वैष्णोदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, संगेशा मठ से बनाए हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बनाए हुए दोनों दीदी को प्रणाम, हमारे यहाँ के तपस्वी यती जी महाराज के चरणों में प्रणाम, निरंजन जी महाराज के चरणों में प्रणाम, और सभी मेरे लंबे टाइम से साथ रहने वाले और साथ देने वाले और अभी भी ऐसे संकट के समय में मुझे संबल देने वाले ऐसा सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी मेरे पिताजी बुजुर्ग मातृ शक्ति युवा साथियों और पत्रकार बंधु, वास्तव में संतों ने काफी बात करी और आज मैं जहां बैठा हूं, जहां खड़ा हूं या कहीं जिनके आशीर्वाद से मैं खड़ा हूं, वो इसमें संतों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और संतों ने काफी मुझे सीखने का मौका मिला, काफी सिखाने का मौका मिला और इनका आशीर्वाद मेरे में काफी रहा है। मैं इन संतों को जितना भी धन्यवाद दूं, क्यों मैं धन्यवाद दे नहीं सकता, क्योंकि मैं इनके चरणों की दूर हूं, पर वास्तव में हर समय ये बुलाए, मुझे संबल देने बुलाए। और सबसे बड़ी बात को जिस दिन मेरा टिकट कटा उस दिन भी शाम को काफी संत बुलाए, बाकी बचे हुए दूसरे दिन भी बुला रहे, कम से कम 100 से 150 संत मेरी विधानसभा से मेरी पधारकर मेरे को पूछा कि चंद्रमान तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेगा सामने से अच्छा करेगा, ऊपर वाला अच्छा करेगा और तेरा हित प्रबल है, कोई कोई अच्छा इधर टिकट कटने में तेरे को अच्छा लिखा हुआ था, इस कारण ये हुआ है। पर गुरुदेव मुझे अभी भी शीर्ष नेतृत्व में विश्वास है, कहीं कहीं वो कंसीलर करेंगे और वापस इस बारे में सोचेंगे जरूर। और मैं जनता के बलबूते पर, संतों के बलबूते पर आज चुनाव के 29 दिन रह गए हैं, 29 दिन में आप सब लोगों को मेहनत भी करनी है, दौड़ पास भी करनी है, चुनाव लड़ना है ना, तो आवाज आपकी ठंडी है क्या बात।